Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz session, and in this session we generally discuss some of the very important current affairs in question and answer format, right? So let's get started with the 7th December's current affairs in question and answer format. So this is the question number 1, that is Article 356 of the Indian Constitution is related to which of the following? It's a very simple question, that is related to the precedence rule, right? But what is important here, ki thoda sa aapko pata hona chahiye 356 ke bare mein, right? So you should know about these three articles especially, Article 355, that is Article 355, and it says it is the duty of center to ensure that the states are running according to the their administration according to the constitution, right? It is the duty of center, duty of center, okay? This is Article 355. Now if we come to the Article 356, and one more is there, that is Article 365, theek hai, dono just 356 and 365. So this article, that is 356, that says precedence rule. तो ध्यान रखना, precedent rule लगाने के लिए जो दो conditions चाहिए होती है, एक condition यहाँ mentioned है, दूसरी यहाँ mentioned है, ठीक है? According to this condition, if a state में अगर constitutionary machinery जो fail हो जाती है, if constitutional machinery fails, right? So जो प्रेसिडेंट है, अगर उनको लगता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बीन फेल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, देन यहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. इसमें गवर्नर की रिकमेंडेशन जो है वो भी आ सकती है, एंड गवर्नर की रिकमेंडेशन ना हो देन ऑल्सो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन दिस स्टेट, राइट? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. द सेकेंड कंडीशन विच इज मेंशन हेयर इन आर्टिकल 365, दैट सेज कि इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? तो ध्यान रखना, इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई द डायरेक्शंस ऑफ द फेल्स द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट रूल जो है दो जगह पे मेंशन्ड है. एक कंडीशन इज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल 356, द सेकंड कंडीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 365, वेयर एज इन 355 इट इज मेंशन्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंटर टू एंश्योर दैट स्टेट्स आर रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये तो है थोड़ा सा यहाँ पे. अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है, because this is a very very important, you must know that thing. So precedent jo hai maine aapko bataya, after getting satisfied with these two conditions, that is constitutional machinery failure and direction jo hai wo follow nahi kar raha, after these two conditions precedent jo hai wo proclamation nikalta hai. This proclamation must be passed by the parliament within a period of 2 months, right? In 2 months, तो ये पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, एंड द मेजोरिटी विच इज रिक्वायर्ड हेयर दैट इज सिंपल मेजोरिटी, दैट इज 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है? जो वहां पे मेंबर मौजूद हैं उनमें से 50% से ऊपर जो है वो यस करते हैं, दे आर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन फेवर ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन. एंड देन क्या होगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है? एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम टू 3 ईयर्स, ठीक है? दिस कैन बी ऑफ मैक्सिमम 3 ईयर्स. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई है, स्पेशली आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है? द कंडीशन इज कि मैक्सिमम पार्लियामेंट जो है, देखिए यहाँ पे कंडीशन है 6 मंथ एट ए टाइम, तो वापस 6 मंथ के बाद फिर से ये प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के पास जाएगा, अगेन अप्रूवल मिलेगा पार्लियामेंट का, एंड देन फिर से 6 मंथ का होगा. ऐसे करके आप 6 मंथ का एवरी टाइम यू नीड अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई कि मैक्सिमम पार्लियामेंट जो अप्रूवल है वो दे सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 2 रोलिंग हो सकती है 1 ईयर, एंड आफ्टर 1 ईयर ओनली इफ दीज 2 conditions exist. The first condition is ki there is a national emergency in the country is applied or in a part of country is applied, to wahan pe agar national emergency ki conditions chal rahi hain then aap isko further extend kar sakte ho, then this 1 year, theek hai, aage le ja sakte ho. The second condition is if election commission says
कि इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन दिस सिचुएशन इन दिस स्टेट, ठीक है, जैसे स्टेट मशीनरी फेल हो गई, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज अगेन इलेक्शंस, तो इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है इस टाइम पे, देन ऑल्सो इट कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, बट द कंडीशन इज आफ्टर 1 ईयर दीज टू कंडीशंस मस्ट बी मेट, ठीक है, ये तो है प्रेसिडेंट रूल लगता है, कैसे लगता है। नाउ वन और टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर अबाउट दिस प्रेसिडेंट रूल, लेट मी डिस्कस हेयर। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है देन आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ऑफ स्टेट, वो जो है क्या हो जाती है, हट जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है, एंड इसके बाद जो पूरा कंट्रोल होता है वो हो जाता है गवर्नर के थ्रू, किसका, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट थ्रू गवर्नर एंड थ्रू आपके जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, एंड दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन इज नोन एज प्रेसिडेंट रूल। ओके, दूसरी कंडीशन यहां पे होगी जो वहां की स्टेट लेजिस्लेचर होगी, लेजिस्लेचर दैट कैन बी सस्पेंडेड और दैट कैन ऑल्सो बी डिजोल्व, ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसे उसको सस्पेंड किया जाता है या डिजोल्व किया जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में अगर स्टेट लेजिस्लेचर मान लीजिए सस्पेंड हो गई या डिजोल्व हो गई, देन हु इज द अथॉरिटी विच इज गोइंग टू मेक द लॉज फॉर द स्टेट्स, दैट इज द पार्लियामेंट, ध्यान रखना, नॉट द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे लॉ बना सकती है इन स्टेट मैटर, और पार्लियामेंट जो है जनरली डेलीगेट करती है पावर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पावर नहीं आती है टू मेक द लॉज इन स्टेट लेजिस्लेचर इश्यूज, दिस इज द पार्लियामेंट जो डेलीगेट करती है पावर टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अब जो है किसी और को डेलीगेट कर सकता है पावर टू किसी भी ऑफिसर्स को, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ऑफिसर्स को, और पार्लियामेंट भी डायरेक्टली डेलीगेट कर सकती है टू एनी ऑफिसर, ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी में ये स्टेटमेंट पूछा भी जा चुका है, इट इज द पार्लियामेंट विच विल डिसाइड हु इज द अथॉरिटी विच कैन मेक द लॉस स्पेशली, और ये जनरली डेलीगेट की जाती है प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट कैन फर्दर डेलीगेट दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी अदर ऑफिसर ऑल्सो, ठीक है। एक और लास्ट कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी या फिर ये प्रेसिडेंट रूल, यू हैव टू रिमेंबर द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस रूल इज द लॉज मेड बाय प्रेसिडेंट रूल, जो लॉज मेड होते हैं दे आर नॉट को टर्मिनस, टर्मिनस मतलब अगर प्रेसिडेंट रूल हट भी जाता है तो जो लॉ बनाए गए थे अंडर प्रेसिडेंट रूल वो ऑटोमेटिकली आपके डिसॉल्व नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते प्रेसिडेंट रूल हटने के साथ, बट लेटर दे कैन बी अमेंडेड, दे कैन बी रिमूव्ड, दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट जो आगे आने वाली है, ठीक है, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट यू मस्ट नो अबाउट प्रेसिडेंट रूल। ओके, सो दिस वॉज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज वन। Now we come to the next question, that is again with reference to Web 3.0. Consider the following statement. The statement one says it is the next version of internet where services will run on blockchain technology. The second statement says the Web 3.0 is also called as metaverse, right? The first option is true, that is answer would be one only. The second is not true. Why? Let me discuss here. What is Web 3.0? Web 3.0 is something which has the concept of decentralization. Now, when it comes to the internet, you must have learned about these big companies, especially this Facebook, Google, right, Microsoft. So they have their monopoly type of the things in internet domain, right? So what now we are planning, we are just going towards the Web 3.0 where the concept would be definitely decentralized one. Decentralized one. Decentralized matlab kya hoga? You have your own information. कहाँ पे उसको यूज करनी है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, विद अ सिंगल डिजिट अकाउंट आप जो है कहीं भी सोशल मीडिया पे कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हो इन नेटवर्क, जो ये वेब नेटवर्क होता है उसमें ट्रेवल कर सकते हो, और जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके हाथ में होगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी आपकी जो इंफॉर्मेशन होती वो कहीं सेंट्रलाइज्ड सर्वर में स्टोर हो रही होती है, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी डिसेंट्रलाइजेशन वाला, एंड दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यही तो कॉन्सेप्ट है कि आपका जो डेटा है वो आपके पास है, डिसेंट्रलाइज है, हर इंडिविजुअल के पास दैट डेटा इज देयर, राइट, एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस डेटा दैट डिपेंड्स ऑन यू,
ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. यहाँ पे और भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे 3D कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, जैसे यूबीक्यूटस नेचर ऑफ इंटरनेट, मतलब हर किसी के पास इंटरनेट पहुंच सके. दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस वेब 3.0. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज रनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दिस इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो हम काम करने वाले हैं, जो आने वाला है, दैट इज वेब 3.0. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज द वेब 3.0 इज ऑल्सो कॉल्ड मेटावर्स. मेटावर्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. मेटावर्स इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे आपने जूम कॉल में देखा होगा, आप जूम में सामने वाले से बात करते हैं. लेकिन जब हमारे पास ये कोरोना का जो टाइम आया था, कोविड सिचुएशन, देन वी रियलाइज कि ऑफिस स्पेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू वर्क एफिशिएंटली. तो इसके पीछे फेसबुक ये कॉन्सेप्ट लाया है, दैट इज द मेटावर्स कॉन्सेप्ट. मेटावर्स कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि वर्चुअली स्पेस सेट होगा, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप जूम कॉल पे हैं, वीडियो कॉल पे हैं. यू विल रियलाइज लाइक यू नो विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऑफिस सेटअप में बैठे हो, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स. आई हैव कवर्ड दिस मेटावर्स कॉन्सेप्ट इन बस 5 मिनट सीरीज, आप वहां पे जाके इसके बारे में जरूर देख सकते हैं, राइट. सो दिस इज द आंसर वुड बी द ए ओनली, दैट इज वन ओनली. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद रेफरेंस टू वेज रेट इंडेक्स, राइट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बेस ईयर फॉर द इंडेक्स इज 2010, and the index is released by Labor Bureau. This is true, but this is not true. The base year has been updated to 2016 right now. अभी यहाँ पे देखना, मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है दैट रिलीजेज दिस इंडेक्स, एंड ये दो बार होता है एक ईयर में, वन एट द टाइम ऑफ जनवरी एंड द सेकेंड टाइम इट इज जुलाई, ठीक है. ट्वाइस इन अ ईयर ये रिलीज होता है. अभी इसको रिसेंटली अपडेट किया गया है, पहले 1965-66 इसका बेस ईयर था, नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू 2016. बेस ईयर क्यों चेंज किए जाते हैं? इन ऑर्डर टू कम अप विद अ वेरी क्लियर पिक्चर व्हाट टाइप ऑफ द ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन इन आवर इकोनॉमी स्पेशली, ठीक है. तो बेस ईयर को हम चेंज करते हैं. बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर से हम देखते हैं कि पीछे क्या कंडीशन थी, वो वाला बेस लेना, ठीक है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर. नाउ यहाँ पे पहले 21 इंडस्ट्रीज जो थी उनके ही उनको कंसीडर किया जाता था अंडर दिस वेज रेट इंडेक्स. नाउ दे ऑल्सो इंक्रीज टू 37, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है. तो दिस इज बेस ईयर इज 2016. सो स्टेटमेंट वन इज नॉट ट्रू, द सेकेंड इज ट्रू. तो आंसर वुड बी 2 ओनली, ठीक है. रिसेंटली इट हैज बीन अपडेटेड. So coming to the next question, that is with reference to Erling festival, consider the following statement. So it is the festival celebrated by the cones, and the second statement is it remarks the arrival of a spring and prays for a good upcoming harvest, right? So this is not true. This is not celebrated by the cones. This is celebrated by the Konyak tribe people. सो कोन्याक ट्राइब पीपल, ये क्यों है क्वेश्चन इन न्यूज़? बिकॉज अभी आपने देखा होगा, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस फेलियर, अभी एक आर्मी से मिसफायर हुआ है, स्पेशली इन दिस मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, राइट. सो दिस कोन्याक ट्राइब जो है वो यहाँ पे रहती है. कोन्याक ट्राइब इज ऑल्सो फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड बॉर्डरिंग म्यांमार, ठीक है. सो दिस ट्राइब इज दिस ट्राइब कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड बाय देयर यू नो फेसेस. फेस पे जो है इनके बहुत सारे टैटू होते हैं, तो आप इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये फेस्टिवल जो है दैट इज आपका एओलिंग फेस्टिवल. तो एओलिंग फेस्टिवल जो है ये एक हार्वेस्ट का ही फेस्टिवल है जो ये लोग मनाते हैं. इसके अलावा एक और फेस्टिवल है जो आप देख सकते हैं, दैट इज लाओ मोंग. सो ये जो है एओ, so this is the winding up of the spring festival activities, ठीक है. winding up of spring activities के लिए दूसरा ये festival मनाया जाता है, winding up of spring activities, ठीक है. so this is about Konyak tribes festival. ध्यान रखना cones जो है वो नहीं होते यहाँ पे, Konyak tribe है जिसका ये festival है. okay, coming to the next question, that is with reference to Physella acuta, consider the following statement. It is highly invasive snail species and it is found in all continents except Antarctica, right? So this is true. This is highly invasive snail species, that is true, and it is also found in almost all the continents except Antarctica. तो ये अभी क्यों न्यूज में है? बिकॉज इट वॉज फाउंड इन नो कोची की एक लेक है, वहाँ पर ये स्पीसी मिली है. एंड दिस इज हाईली इन्वेजिव स्पीसी. इन्वेजिव स्पीसी क्या होती है? वेन सम स्पीसी इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर
एनवायरमेंटल कंडीशंस टू अ वेरी डिफरेंट इकोसिस्टम, बाहर कहीं दूसरे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस होती है, तो दैट कैन बी इनवेजिव फॉर द नेटिव स्पीसीज. नेटिव मतलब वहां की जो लोकल स्पीसीज हैं उनके लिए खतरा बन सकती है. सो दिन इनको इसलिए बोलते हैं हम इनवेजिव स्पीसीज, ठीक है, तो उनको हार्म पहुंचा सकती हैं, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द लोकल इकोसिस्टम एंड द स्पीसीज विच आर थ्राइविंग इन लोकल इकोसिस्टम जो है वो भी उनके ऊपर भी खतरा मन रहता है. तो दैट इज इनवेजिव स्पीसी. तो ये एक स्नेल की स्पीसी है जो केरला में अभी मिली है. अब केरला में मिली है, बट दिस स्पीसी इज ओरिजिनली फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, बट नाउ इट कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट, ठीक है. तो ये अभी सब जगह पे पाई जाती है एक्सेप्ट दिस एंटार्क्टिका. तो दिस इज बोथ ऑफ देम आर टू. तो आंसर वुड बी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट आंसर्स. ओके, सो अगर आपको पिक्चर देखना है तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस स्पीसी, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन. आई होप आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे. अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक कीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस क्विज एंड और यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बताइएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.